क्या भाई ग्रुप कर रहे भाई तो आज जशपुर बोल रहे हैं भाई खुश हो रहा है जल्दी बढ़िया मैन भाई छप रहा है राकेश सर आइए ना राकेश सर आइए ना फाइट कर सब रिलेशन के बारे में पूछ लो ओके रेडी रोलिंग राकेश जी क्या कहना चाहोगे आज प्रेयर मीट भी रखा है आपकी मम्मी का सो बस जितने भी मम्मी के और राखी के और हमारी फैमिली के शुभ चिंतक है और हिंदुस्तान की सारी पब्लिक को मीडिया को धन्यवाद देने चाहता हूँ कि आपकी वजह से मॉम को आप लोगों ने शांति देने के लिए यहाँ तक आए इस श्रद्धांजलि में आए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग सब आए और मम्मी को जो श्रद्धांजलि आज मिल रही है बस एक फैमिली के लिए जिसके बिल्डिंग की मतलब बहुत बड़ा लॉस है फैमिली को खासकर राखी को और मुझे क्योंकि मॉम ही सब कुछ थी हमारे लिए आज तक हम जो कुछ भी बने हैं जो कुछ भी हासिल किया हमने इस दुनिया में वो सिर्फ माँ की वजह से राखी से भी हमारी दो तीन बार बात हुई लेकिन कहीं ना कहीं राखी भी बहुत परेशान है वो कह रही है कि आदिल भी छोड़ने की बात कर रहे हैं बार बार जब जब अपने घर का सहारा निकल जाता है ना तो सब सब जगह से प्रॉब्लम्स तो आती है अब उसे भी प्रॉब्लम आ रही है और मैं सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि माँ के जाने का गम जो राखी को हुआ है वो उसमें बहुत अपसेट है बहुत टेंशन में है उसने सोचा नहीं था कि बिग बॉस मराठी से डायरेक्ट निकलने के बाद उसे ऐसा देखना पड़ेगा कि माँ नहीं रही वो एक खुशी से आ रही थी कि मैं बिग बॉस में जीत कर आई हूँ और माँ को जाकर मिलूँगी उससे गले लगूँगी लेकिन जो माँ की उसने स्थिति देखी वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी किसी से बात नहीं कर रही थी तो ये जो शौक उसको बैठा था वो शौक दिखाई दे रहा है माँ के जाने के बाद वो थोड़ी सी अपसेट हो गई इसलिए कुछ भी बोल रही है और जो वो बोल रही है अपने होश में नहीं है मैं तो सिर्फ जनता को ये कहूँगा कि बस हाथ जोड़ के विनती कि उसकी बातों का बुरा ना माने उसकी बातों का गलत मतलब ना उठाए मैं भी जानता हूँ कि माँ के मरने के बाद ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए एटलीस्ट 13वीं तक जो एक शोक है माँ के जाने का लेकिन माँ के जाने का उसको इतना शौक गिरा है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है और ये जो अपने आप को नहीं संभाल पा रही है इसलिए वो जो भी बोल रही है उसके होश में नहीं है वो मैं तो सब यही कहूँगा कि आदिल उसके जो रिश्ते हैं वो एक महीने दो महीने के बाद अगर वो सॉल्व करे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आदिल को भी ऐसी शोभा नहीं देता ये सब करना कि अगर आपने हाथ संभाला है तो पूरा करो या तो आप दिखावा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए अगर आप पब्लिसिटी ले रहे हो तो वो नहीं करना चाहिए माँ अब भी गई है तो थोड़ा सा तो धीरज रखो थोड़ा सा तो माँ के लिए सोचो मैं ये कहूँगा कि आप बहुत बड़े हीरो बनो आप बहुत बड़े आदमी बनो लेकिन माँ हमारी जो गई है वो मेरी और माँ की माँ गई है राखी की माँ गई है तो बस आदिल को ये समझना चाहिए कि हमारे घर का एक बहुत बड़ा पिलर गया है जो बिल्डिंग की चारों पिलर गिर चुकी है तो बिल्डिंग गिर चुकी है इसे संभालने में बहुत वक्त लगेगा और मैं चाहता हूँ कि राखी के जो फैंस हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ उसे संभाल लो अभी वो आज उसे आपके प्यार की ज़रूरत है आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमारे पूरे फैमिली को आपकी ज़रूरत है क्योंकि माँ के जाने के बाद इतना आसान नहीं होता उभर के आना सालों लग जाते हैं ये तो सिर्फ आज से 7वां दिन है मैं तो बस मीडिया से यही चाहूँगा कि आप इतना फैलाओ कि राखी को घर घर तक ये बात पहुँचे उनके फैंस के पास और सब उसे प्रे करें उसके लिए उसकी बुद्धि के लिए उसके दिमाग के लिए उसकी अच्छा सोचे वो आगे बढ़े माँ का जो सपना था पूरा करना है दोनों भाई बहन को मिलके तीनों भाई बहन को मिलके उषा भी मेरी एक बहन है हम फैमिली को आपकी आज सपोर्ट की ज़रूरत है भाई बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगा बस हाथ जोड़ के विनती है कि आज राखी को और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्या राखी ने आपसे बात की है कि कुछ हम ऐसा करते हैं या कुछ सुझाव आपने राखी को दिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी को कह रही है कि आपने मेरी ज़िंदगी ऐसे कर दी है आप लोगों ने बार बार दिखा के हमें भी लाइक अच्छा नहीं लग रहा है कि राखी की ये बातें सुन सुन के क्या हुआ है राखी को अचानक देखो जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है जिस चीज़ जिस माँ को उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया है आज इतने सालों से पूरी फैमिली ने उन माँ की सेवा की है माँ ने हमें इतना बड़ा किया है और राखी की ज़िंदगी में आप सब जानते हैं कि सिर्फ लोगों ने धोखा दिया है उसे जो जो आया है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आया है अपने आप को बनाने के लिए आया है उसकी
ईमानदारी, उसकी उसके प्यार को, उसके जज्बात को कोई नहीं सुनता। आज उसे लगा कि कोई तो हो जो मेरा सपोर्टर हो। और माँ के जाने के बाद अचानक आदिल का जब ऐसा सब कुछ सामने आया तो वो बौखला गई है, वो एकदम चौंक गई है कि मतलब माँ के जाने के बाद अचानक सब कुछ जो उजड़ जाता है, सब कुछ जो बिछड़ जाता है, तो वो परेशान है। और इस परेशानी में उसे सूझ नहीं रहा है, क्योंकि माँ के जाने के बाद उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। वो जो भी बोल रही है वो अभी अपने होश हवास में नहीं है। और अगर उसे कुछ कहना है तो मीडिया वाले, आपने जो दिखाया है, मैं जानता हूँ कि आपका काम है, लेकिन आज राखी को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने भी उससे बात की है कि राखी प्लीज़ अभी थोड़ा सा संभाल लो घर को। आदिल भाई को बोला संभाल लो घर को, आपके जो प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, अपने आप बैठ के सॉल्व करो, अपने आप उसको समझो। अभी दुनिया हंसती है, दुनिया मज़ा लेने के लिए बैठी है, लोग मज़ा लेने के लिए बैठे हैं। तो आज माँ की आत्मा को शांति मिलने के लिए ये शोक सभा रखी है। और बस उस श्रद्धांजलि में मैं चाहता हूँ कि सब मिलकर माँ को आशीर्वाद दे, बड़े बुज़ुर्ग माँ को आशीर्वाद दे, छोटे माँ के लिए प्यार और प्रार्थना करें कि माँ की आत्मा को शांति मिले। मैं एक भाई के नाते मैं कभी सामने नहीं आया मीडिया के, कि मैं बहुत दूर रहता हूँ मीडिया से, क्योंकि मैं सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। लेकिन राखी आपकी चहती है, वो आपकी स्टार है। आज राखी को आपकी ज़रूरत है, राखी को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं मीडिया वालों से प्लीज़ कहूँगा कि आज राखी को सपोर्ट कीजिए। मैं सारे पॉलिटिशियन से, सारे एक्टर्स से, शाहरुख, सलमान भाई जिन्होंने राखी को सपोर्ट किया, उसकी बात का बुरा ना माने, उसके जितने लोगों ने, फरा मैम, साजिद भाई, जितने लोग आए, प्राची जी, जितने लोग राखी के चाहने वाले हैं, सारे एक्टर्स, ये ना समझे कि राखी कुछ गलत बोल रही है या ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी माँ के निधन के बाद। वो थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी सी दुखी है, वो बहुत दुखी है कि माँ के जाने के बाद उसे लग रहा है कि अब कोई नहीं रहेगा उसके पास, तो कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे ज़िंदगी बिताएगी, कैसे अपने आप को संभालेगी। तो आज मीडिया की, सारे एक्टर्स की, पूरे हिंदुस्तान की 160 की जो हमारी आबादी है, उन सबका प्यार चाहिए, सारे मिनिस्टर्स का आशीर्वाद चाहिए। वो आपकी चहिता है, आपकी चहती है और हमेशा रहेगी। और आप सबके लिए एक भाई बहन हमेशा काम करते रहेंगे, अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ, आ जाओ, यार कोई नहीं आएंगे। कौन है पीछे भी? चलिए बस, रुक जाओ, रुक जाओ, इधर आगे जा रहा हूँ। तो कर लेंगे काटमा जी। थोड़ा सा पीछे रहेंगे। हाँ जी, पीछे आ जाओ, क्योंकि आप मेरा थोड़ा, कल भी आप मेरे फेस के अंदर घुस गए थे, इतना बड़ा फेस दिख रहा था। मत करिए ना, थोड़ा सा पीछे रहिए, थोड़ा सा पीछे रहिए, मैं थोड़ा सा उससे बोल निकल गया। मैं तब तक, मैं एक बाइट दे दूँ आदिल के बारे में जी। घूम दे, कहाँ कर रहे हैं? कोई पूछ रहा है? कर लेते क्या बोलने में भूल गई सारी मीडिया का। और आज मेरे फेस पे फिर से खुशी की लहर आ गई है। देश की जनता को भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरे आदिल के बीच में सब कुछ ठीक है। सुबह का बुला, शाम को घर वापस आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। आदिल को मेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे, वो मेरे हस्बैंड है। और मुझे लगता है कि अब आदिल के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ मीडिया में मैं नहीं चाहती हूँ। हम दोनों मिलके बहुत सारा काम करने वाले हैं।
मेरे लिए ज़िंदगी की खुशी यही है कि आज मेरी माँ की श्रद्धांजलि है। सब आने वाले हैं, सारे एक्टर स्टार सब लोग, अठावले साहब मंत्री सब लोग आने वाले हैं और आदिल भी आने वाले हैं अभी। और मैं बहुत खुश हूँ कि अब आदिल और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है और अभी कुछ भी कोई भी गड़बड़ नहीं होगा, यू नो, नहीं होगा। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अंदर से डरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मुझे पता नहीं है नाजुक रिश्तों में कैसे क्या बोलना है, तो एक्चुअली मेरे सर पे बहुत ज़्यादा, यू नो, एक ट्रॉमा, एक प्रेशर था, तो मैं थोड़ी डरी हुई थी। मेरा भाई विकास सावंत भी आया है यहाँ, तीनों मराठी बिग बॉस में थे साथ में, मासूम भी मेरे भाई, हम लोग सब आए, ये नहीं थे बाजूलाइए, ये ना मासूम भाई। तो मैं सबको यही खुशखबरी देना चाह रही हूँ, देश की जनता को, कि मेरा आदिल मेरे पास वापस आ गया है। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी अभी बहुत अच्छी होने वाली है। खुश हो ना? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी राशि, मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ। इससे ज़्यादा खुशी क्या है भाई? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप भी प्रे करें कि इनका जो वैवाहिक जीवन है सुखी में हो, कोई परेशानी इनके जीवन में ना आए, क्योंकि बहुत बड़े संघर्ष से गुजरी है। अभी इनके माता जी का देहांत हुआ है, मेरा फेस के बाद ये जो दुख को फेस कर रही है, सोच सोच के मेरा फेस भोपला हो गया है, हालत बहुत खराब हो गई है उनकी। राखी जी, ये जो गर्लफ्रेंड का मामला था उसका क्या हुआ? जी, गर्लफ्रेंड वाला मामला था आदिल का, उसका क्या हुआ? अब जैसे कि राखी ने कहा है कि सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही है, खुशियाँ आ चुकी है, सब कुछ भूल, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी लड़की को कोई पब्लिसिटी देना चाहिए। और वो लड़कियाँ आती ही है पब्लिसिटी पाने के लिए उनकी ज़िंदगी में, आप समझ रहे हो, तो वो चाहती है कि वो लोग आठ आठ साल से वो भी स्ट्रगल कर रही है, यू नो, तो वो चाहती है कि मैं एक पोस्ट करूँ, एक वीडियो डालूँ, ताकि वो पूरे हाईलाइट हो जाए। मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं मेरे आदिल को बदनाम नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। आदिल मेरा हस्बैंड है, मेरा है, और वो मेरा ही रहेगा, वो कभी किसी के पास नहीं जाएगा। लेकिन मेरा फेस अच्छा है, इतने दिनों से रो रही हूँ। कम से कम मराठी बिग बॉस कितना टाइम हुआ मैं बाहर निकल के? एक डेढ़ महीना जाला, आप ले लो, डेढ़ महीने से रो रही हूँ मैं। माँ का प्रेयर मीट है, और आज हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर जो है अठावले साहब जो आ रहे हैं, डेफिनेटली मेरी जान, मेरी फ्रेंड राश्री, मेरी फ्रेंड है विकास सावंत, मेरा भाई आया हुआ है, मासूम जी मेरे भाई है, और भी आरपीआई के बहुत ढेर सारे नेता आए हुए हैं, आ रहे हैं। मेरा भाई राकेश, इधर आ बेटा, आ जा इधर, आ जा इधर, राकेश को आने दो, मेरे भाई को। हाँ, मेरा भाई राकेश है, हम लोग सब आए हैं, हमारे पे बहुत बीती है। मैं सुबह उठ के माँ को फ़ोन लगाती हूँ, माँ फ़ोन ही नहीं उठाती है। मैं राकेश को कहती हूँ कि राकेश माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं क्या हो गया है मुझे, ऐसे गंदे हालातों से मैं गुजरी हूँ। माँ की वही ट्यून आ रही है, राकेश ट्यून कभी चेंज मत करना। और अभी ऐसा लगता है कि माँ भी फ़ोन उठाएगी उठाएगी उठाएगी, यकीन ही नहीं होता है कि माँ हमारी ज़िंदगी में नहीं है। हाँ बेटा, बहुत दुख है, बहुत दुख है राखी की ये हालत, आप समझ सकते हैं। मैं सारे राखी के जितने फैंस हैं, मीडिया को, हमारे देश के सारे, हिंदुस्तान के 125-130 करोड़ आबादी को यही कहना चाहूँगा कि आज राखी को आपकी ज़रूरत है। आज ये प्रार्थना, ये शोक, ये श्रद्धांजलि माँ को, प्लीज़ आप सब प्रे कीजिए, राखी को हिम्मत दीजिए। आज माँ के जाने के बाद राखी वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर पा रही है, और पूरे ख़ानदान को आज आपकी ज़रूरत है, पूरी फैमिली को आपकी ज़रूरत है। रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्रे करिए, और मैं ये कहना चाहूँगा राखी आज जो कुछ भी बोल रही है वो सच बोल रही है, और उसे समझिए, उसे सपोर्ट कीजिए, बस यही कहना चाहूँगा आप सबसे। बट हाँ, अभी राकेश को भी नहीं पता है कि अभी हमारे बीच में सब अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है। भाई भी बहुत चिंतित था, बोला अभी मम्मी का इंतकाल हुआ और इतना सारा तेरे पे दुख आ गया राखी, मेरा पूरा ख़ानदान कहा कि हम सब तेरे साथ हैं, क्या करना है ये बताओ। लेकिन
अभी सब कुछ थोड़ा सा माइक दूर रखिए, आई रिक्वेस्ट प्लीज। आनंद शंकर सावंत मेरे डैडी का नाम। मुझे सबसे ज़्यादा आनंद है कि मेरे डैडी और मम्मी दोनों ऊपर है, स्वर्ग में हैं। और मेरी माँ, जब मेरे डैडी चले गए तो मेरी माँ ख़त्म हो गई थी, फिर वहीं से सारी यू नो बीमारियाँ, बेचारी को डिप्रेशन सब स्टार्ट हुआ। ज़िंदगी में पति का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरी भाभी पायल के जीवन में मेरा भाई है, वैसे मेरे ही जीवन में मेरा आदिल है। डेफिनेटली एक औरत के सर पे पति का साया बहुत ज़रूरी है, और एक हस्बैंड के पास एक औरत का साया बहुत ज़रूरी है। नोक झोंक होती रहती है। देखिए, मेरी माँ को इंतकाल होके मेरी माँ का दफना के 3-4 दिन नहीं हुआ था, फिर भी मैं बाहर आई थी, जो मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। चाहती तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करती, लेकिन मुझे मेरा हस्बैंड मुझे वापस नहीं मिलता, यू नो। लेकिन आज मैं मीडिया के सामने आई, उस दिन मैं मीडिया के सामने आई थी, अभी सब ठीक हो गया है। और आई फील कि अभी आदिल भी वापस आ गए हैं, और सब कुछ हमारा मामला ठीक हो गया है। माँ के कौन से सपने हैं जो अभी भी आपको पूरे करने? माँ का एक सपना है कि राकेश बहुत बड़ा डायरेक्टर बने, और मेरी माँ का एक सपना है कि मेरे राखी सावंत अकेडमी जो है वहाँ पे वो चालू हो, और वहाँ पे सबको, जितने गरीब बच्चे हैं सबको हम लोग टैलेंट सिखाए, तो वो बहुत जल्द। मैं अभी तो शौक का माहौल है, और आई थिंक 2-4 दिन में मैं आपको वहाँ पे बुलाऊंगी अकेडमी के लिए, डेफिनेटली। मॉम का एक सपना था, जब मॉम होश में नहीं थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, किसी को पहचान नहीं रही थी, लेकिन सिर्फ एक आवाज़ थी माँ की, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, कि वो चाहती थी कि एक बार राखी को सलमान खान ब्रेक दे अपनी फिल्म में। अच्छा, अरे बाप रे। जो वीडियो है वो चाह रही थी कि सलमान भाई मुझे, अरे भाई ऐसे मत बोल, जो है नहीं, मेरे नहीं, पास नहीं। वीडियो है, एक बार मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, मैं भाई ने उससे भी ज्यादा किया, मेरे को ब्रेक की जरूरत नहीं है। मैं माँ की आखिरी इच्छा बता रहा हूँ, जो कोई बात नहीं, भाई ने अपने लिए बहुत किया है, सलमान भाई ने अपने लिए, तू जानता है, हर पल फोन किया है माँ को, हर पल फोन किया है, हर पल भाई ने, अबू धाबी हो, दुबई हो, किधर भी हो, भाई ने मेरे को हमेशा बहुत प्यार इज्जत दिया है। तो जब भी बिग बॉस में गई तो इतना भाई ने प्यार दिया है, बेटा भाई बेटा जरूरत नहीं है। देखो, अपन ये मीडिया में सब बोल के फायदा नहीं है, भाई का जब दिल करेगा ना, भाई तुरंत बुला लेता है। अभी तो मैं उनकी बहन हूँ, तो अभी उनके साथ थोड़ी ना वो सब डांस वांस सब नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, उनकी बहन का कैरेक्टर डेफिनेटली कर सकती हूँ। राखी सावंत, आपका जो नाम है राखी, उस नाम में ही सब कुछ छिपा है। मेरे नाम में ही सब कुछ छिपा है। पता नहीं, जब जब मेरे साथ गलत होता है, तब देश की जनता और मीडिया मेरे साथ देती है, और मैं सामने आती हूँ और मुझे न्याय मिलता है। आज सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये भी है, आज मेरी माँ को हम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरी माँ ने मेरा रोते हुए 24 घंटे मुझे देखा है, मेरी आंखें देखो सूज सूज के, चेहरा भी सूजा हुआ है। पता नहीं आज के, आज आदिल आ गए वापस मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए, अब वो कभी नहीं जाएंगे, ये मुझे राकेश भरोसा दिलाया है। और राकेश मेरा फैमिली को अभी नहीं पता था, बट अभी मैंने बताया है कि देखिए, हस्बैंड वाइफ में होता है नोक झोंक, सब कुछ होता है। एक्चुअली क्या ना कि ये सब बातें जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी ना, तो मैंने कहा था क्लियर कर देना, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था ठीक है, वो मेरा कचरा है, मेरा कचरा मैं क्लियर कर दूंगा, यू आर माई वाइफ। बट वो हो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि कभी मीडिया में ना आऊँ और ना बोलूँ, क्योंकि घरेलू मामले हैं, ज़रूरत नहीं थी। बट जब आई तो आप समझ सकते कि एक इंसान पे क्या प्रेशर आ सकता है। मैं आदिल की फैमिली को धन्यवाद कहना चाहूँगी, उनकी उनकी मौसी को क्या बोलते हैं, खाला खाला जो लंदन में है, उनके मम्मी डैडी को, उनकी सिस्टर को बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कहूँगी कि ये इस गरीब लड़की का, जिसका कोई सहारा नहीं, मेरा घर आप लोगों ने बसा दिया,
आदिल को समझाया, आदिल समझ गए और मेरा आदिल को आपने वापस भेज दिया और सारे रिश्ते जो थे फालतू के वो ख़त्म हो गए। और अभी मैं और हम लोग आदिल एक साथ है और सारी नेगेटिव चीज़ को भगा देते हैं और सब कुछ अच्छा होगा। और अभी सब लोग मेरे ख्याल से आने वाले हैं, हम वेट करें। बस शुक्रिया। आपसे आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ गई है और वैसे कहा जाए तो आप अपनी माँ को मतलब इतना प्यार करती थी जो हम करती हूँ करती रहूँगी, ये बहुत शेम की बात है, बहुत शर्म की बात है कि वृद्धाश्रम इतने बढ़ गए। एक माँ अपनी कोख में 9 महीने बच्चे रख कर उसे पाल पोस कर अपना खून पिलाती है, अपना दूध पिला कर बड़ा करती है, उसे शादी करती है और शादी करने के बाद मुझे नहीं पता कि ये बेटा चेंज क्यों हो जाता है। सब कुछ बेटे के हाथ में होता है, मेरा भाई तो चेंज नहीं हुआ, मैं चेंज नहीं हुई। एक सेकेंड थोड़ा फूल मंगा दो ना, फूल मंगा दो ना, जल्दी से बोलो ना, जल्दी आ गए, जल्दी करो ना, आप भी बोलो ना जरा जल्दी से। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल भी अपने माँ बाप की सेवा करो जीवन में, आज तुम जिंदा हो कल चले जाओगे। मेरी माँ की मैंने मेरे भाई ने मेरी भाभी ने आखिरी सांस तक हमने सेवा करी। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिन्होंने बहुत, मिका जी फिर सलमान खान, बहुत फरा मैम, बहुत शिल्पा शेट्टी जी, बहुत सारे लोगों को मैं डेफिनेटली इनका नाम इसलिए लेना चाहती हूँ कि इन सब उन्होंने हेल्प करी है। वो फूल मंगा दो ना प्लीज। आप जो अपनी जंग लड़ती है ना, सबसे बड़ी ताकत आप। साथ में चलेंगे, दो सेकंड लगा लो।